श्री अकाल तख्त साहिब विखे पंज सिंह साहिबान की एकत्रता हुई है, जिस विच दीर्घ विचार करके हेठ लिखे फैसले किए गए हैं। नंबर एक, सिख कौम का अपना अंतरराष्ट्रीय मियार दा सिख एजुकेशन बोर्ड जिहड़ा वह बनना चाहिए। ये साड़ी सिख जथेबंदियां चिंतक सिख जिहड़े ने महसूस कर रहे हैं। इसलिए श्री अकाल तख्त साहब की सरप्रस्ती हेठ सिख विद्वाना ते सिख संस्थावां दे प्रतिनिधियों दे आधारित एक उच्च पद्धरी कमेटी अगले कुछ दिनों दे विच बनाई जाऊगी, जो इस कार्ज की पूर्ति लई जतन करेगी। अंतरराष्ट्रीय मियार दा साडा अपना जिहड़ा एक सिख एजुकेशन बोर्ड जिहड़ा वह होवे, इह साडी कौम जिहड़ी महसूस करदी। दूसरा, केंद्र सरकार वालों कुछ कचेरियां नूं वरत के कानून की आड़ दे विच श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं तोड़न का यतन किया गया, और वह भी उस वरे जदों सिख पंथ गुरद्वारा सुधार लहर समय श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन लई अपनियां जानां कुरबान करन वाले योध्यां दे शहीदी दिहाड़े शताब्दी रूप दे विच मना रहा। इस सिखां दी सब तो वड्डी संस्था श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ते सरकार का एक हमला है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर की मजबूती लई सिख आगुआ नूं इस मानवती संस्था नूं विश्वव्यापी बनाउण दे यतन जिहड़े है वो आरंभ करने चाहिए है। इहदे लई श्री अकाल तख्त साहिब वालों सिख आगुआ नूं कहा गया कि ये यतन जिहड़े है इहनूं एक मजबूत संस्था विश्वव्यापी संस्था बनाउण दे यतन जिहड़े है वह किए जाण। सिख पंथ नूं श्री अकाल तख्त साहब की सरप्रस्ती हेठ अपना संसार पद्धर ते एक विश्व सिख बैंक भी बनाउण ते चलाउण दी दीआं संभावनावां जिहड़ीआं ने उह तलाशणियां चाहीदीआं ने। इस बारे यतन भी करना चाहीदा तां जो इस्लामिक बैंक की तर्ज ते इस बैंक राहीं सिख नौजवानों नूं उचेरी विद्या ते रोज़गार दे धारनी बनाउण लई योग सहायता जिहड़ी है वह दित्ती जा सके। इस कार्ज लई समूह सिख पंथ दीआं संस्थावां नूं अपील है कि श्री अकाल तख्त साहब की सरप्रस्ती के हेठ एक वडमुला कार्ज करन दे लई व्यौंतबंदी जिहड़ी है वह उलीकी जाए। श्री अकाल तख्त साहब वालों इस लई जल्दी ही उच्च पद्धरी जिहड़ी है विद्वानों की एक कमेटी भी जिहड़ी है वह बनाई जाएगी। महंत ज्ञानदेव सिंह निर्मल भेख दे उन्होंने श्री अकाल तख्त साहब ते रखी एकत्रता विच शामिल ना हो के अते श्री अकाल तख्त साहब वालों दित्तियां पत्रकारां नूं अणगौलियां करके कुताई की है, उन्हें एक होर जड़ा है भुल बखशाने वास्ते मौका दिता जाता है। इस दे नाल ही सोशल मीडिया राही पता लग्या कि एक छोटे जे बच्चे दे उत्ते परचा जड़ा है वो आर्मड एक्ट तहत जड़ा वो कर दिता गया। ये बहुत ही ज़्यादा निंदन योग है। जे सरकार हथियारां दे प्रदर्शन करन नूं खतरनाक समझदी है तो सब तो पहला सरकारां नूं फिल्मां दे उत्ते पाबंदी लानी चाहीदी है, क्योंकि सब तो वध हथियारां दा प्रदर्शन जिहड़ा है वह फिल्मां दे विच ही दिखाया जांदा है। वैब सीरीज़ बन रही हैं उहनां दे विच हथियारां दा प्रदर्शन है, फिल्मां दे विच हथियारां दा प्रदर्शन है, तो पहला फिल्मां ते वैब सीरीज़ दे उत्ते जिहड़ा है वह पाबंदी लगाई जाए कि उत्थे हथियार जिहड़े दिखाउणों वर्जित किया जाए। छोटे जे बच्चे दे उत्ते एक आर्मड एक्ट तहत परचा दर्ज करना जिहड़ा है ये बहुत ही ज़्यादा गलत गल है। इहदी असी जिहड़ी है वह निखेधी करदे आ, ये नहीं होना चाहिए। फिर असी कहना चाहते हाँ कि पंजाब सरकार जिहड़ा है वो इस तरह दीआं जिहड़ीआं गतियां विधियां ने छोटे छोटे बच्चों ते मुकदमे दर्ज करके ये लोगों के सहम का माहौल जिहड़ा खास तौर के उत्ते सिखां दे अंदर जिहड़ा है एक किस्म का माहौल ऐसा बन रहा है कि सरकार जिहड़ी है साडे नाल धक्का करनी कर रही है। ये नहीं बनना चाहिए, सरकार इस तो सावधानी वरते। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।